तीन तीन लाइट अभी रात भर चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। धुआं देख रहे हो? धुआं दिख रहा है? धुआं छाम दिख रहा है? छाम मशीन ही गर्म हो गई, धुआं निकाल दिया है। तूने एक साथ चली रही? नहीं चली, फिट जाएगी बस। आज ही कोई काम भी है? ये मत भी गिरीश दी थी, इनमें तो है नहीं था, पर गिरीश सब ये ले नहीं होया। गिरीश तो मोहन तो ले ही है नहीं, वो तो तो गई बात मतलब हाथ पूरा यो तो गई हो यो, इधर क्यों घिसाय हो भी कितो यो है? ये तो गन दिन को थोड़ी यो वाला तो अभी मतलब पिछला सी चल रहा नहीं। यो 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 ये देख, ये गोटी अंदर की खत्म ही हो गई। हां गोटी नहीं है, गोल गोटी खत्म खत्म हो गई बा। जबकि बस ही गोल रहे है, जब तो वा हां तो अच्छी मत को तो मैं ये प्लास्टिक का ही हट दे, यहीं हट दे, हट जा हट जा हट जा ठीक है। लाग आ खींचो, ये इतना हिटी जा नहीं है, ये इतना हिटी जा को खींचो खींचो। हां ओके रख दे, ये भी हट जा। अरे काम नहीं पर वो भी देख। हेलो भाई मैं विवेक, इसके पीछे आज भाई हमने सुबह से लगा दिया था रोटावेटर, और रोटावेटर में देखो इसका मेकअप हो गया, जो अब क्या बोलूं मैं, समझ रहे हो? किसका मेकअप हो गया खतरनाक, मतलब चेहरे पे मेकअप, इधर कम पाउडर लगा, इधर इसने ज्यादा पाउडर लगाया, ज्यादा पाउडर लगा के मेकअप में बढ़िया इसका ये साफ करना पड़ेगा यार। और एक दिन चला, हालांकि ये पहले से इसकी खराब थी थोड़ी सी, और चलने में ये पूरी टूट गई यार, मतलब पूरी तो नहीं टूटी, आपने देखा होगा ना इससे पहले क्लिप, उसकी क्रॉस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इसमें अभी, उसको दी तो है वो डालने के लिए बीच का सिस्टम, वो डलेगी उसके बाद फिर चलाएगी, नहीं तो अभी वो इधर झटके मार रही थी, और झटके मारने में हो सकता है कि और कोई सामान तोड़ा फोड़ी करती वो, इसलिए उससे पहले उसका इलाज करा ले। हालांकि वो थोड़ी सी गड़बड़ तो हो ही गई थी, और मेरे को बोला भी था कि इसको बदला लेना, पर मैंने सोचा चल रही है चलने दो, लेकिन आज वो ज़्यादा झटका मारने लगी, फिर मेरे को दो चार बात से सुनाई गई कि भाई साहब तूने इसको बदलाया क्यों नहीं, जब ख़राब था तो पहले ही बदला लेता। अब ये जब नया स्विच डाला ना भाई साहब, फील तो देखो एक एक बार में चालू हो जाएगा, थोड़ा सा सेल्फ देने पर, जैसे नए स्वराज्य होते उस टाइप में, इसको छाँव में खड़ा कर देते हैं, अपने पास जगह है, उसके बाद भी इधर खड़ा कर दिया इसको धूप में, और वो देखो वो गाड़ी को भी धूप में, मुझे छाँव में खड़ा कर करके परेशान हूँ यार। जब अपने पास है तो छाँव नहीं होती तो फिर तो अपने को मजबूरी में खड़ा करना पड़ता काम में, लेकिन अपने पे छाँव है फिर अपन ना खड़ा करें तो वो भी ठीक नहीं है। अच्छा मैं अब इसकी क्रॉस लेके आता है, उसके बाद मैं फिर दिखाऊंगा, आएगी जब वो तो खुद ही आ जाएगी। 3 hours later हेलो जी, हो गया काम सेट, बस इसके पता नहीं क्यों ये वाले नट भाई बार बार खराब हो रहे हैं, ये वाले दो इससे ये नट खा रहा है, प्लस इसकी ये क्रॉस खराब हो गई थी, ये वाली ये तोड़ दी थी भाई इसने क्रॉस को, तो अपन ने इसको करवा दी चेंज, और अब फिर ये लेके जाएगा खेत में, और फिर होगा धूल की होली खेलेगा, धूल की होली खेलेगा देर। अरे यार ये इसको भी साफ कर देते ना, याद आ गई 735 के पीछे फिर वो शायद फंसा के देखूंगा मैं, ये इम्प्लीमेंट दिख रहा ना, ये भी रोटावेटर जैसी काम करता है, ये वाला झांझा जिसको बोल दो या पुटलिया बोल लो, टेस्ट करेंगे 735 से। पावर स्टीयरिंग होता तो मैं बिल्कुल करता, लेकिन पावर स्टीयरिंग नहीं है तो थोड़ा मन आगे पीछे है, फार्मिंग पे क्या धूल जमा, फार्मिंग स्टाइल में धूल जम गया। अभी भाई मैं जा रहा हूँ डबल से अपने डिक्टर के पास, क्योंकि उसकी जो क्रास है मतलब रोटावेटर वाली सॉफ्ट जिस साइड से डिक्टर तरफ से अपने को जिसने परेशान किया था उसने फिर परेशान कर दिया, बताओ मतलब कुछ काम ही नहीं हो पा रहा बार बार, ये रोटावेटर भी तो नहीं बचा रहा। चलो वहाँ पे पहुँचता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ क्या दिक्कत आ रही है उसमें।
टेस्टिंग में धूल अपने ऊपर ही आग। एक बीजे चे हल्ले ही देखो नहीं प्ले तो नहीं आई, रुक जो जरा पर इतनी हल्की सी नहीं आई प्ले। चले जाओ इधर रोड पर ट्रायल ले गए। हाँ ज्यादा मजबूत हुई हो तो भाई रात के बज चुके हैं कितने 9:56 और अभी हम जा रहे हैं भाई साहब देखो खाना लेके खेत में, क्योंकि अपना रोटावेटर लेट चालू हुआ था तो अभी चलेगा वो शायद सुबह के 8 बजे तक। मनोज और मैं खाना और डिलक्स, वैसे अपने पास ऑप्शन देख रहे हो 3 है लेकिन सबसे प्यारा ऑप्शन यही है। ये ऑप्शन काम का है, वो तो बिल्कुल काम का नहीं खेत में, इसका दुख बता दो साली टिकती भी बाकी सब बढ़िया है। ले उठा और ये गद्दा भी लेके जा रहे हैं और अपने एक पाल भी उठे लाली मनोज, जब छोटी वाली उठा नहीं, वहाँ 2 बंदे हैं तो मान लो एक का अगर लेटना का मन हुआ तो वो लेट भी सकते हैं। आज अपने सुपरत नहीं है भाई, रोटावेटर पर ए पर रख दे नहीं ए पास रख दे ये यही तो तुम्हें पता नहीं हैगा वीरे ये निंजा टेक्निक और ए पर मस यो एयरबैग को काम कर देगा सामान लटक जा। चलो खेत में पहुंचता हूँ फिर दिखाता हूँ। ए लो जी पहुँच चुके हैं खेत बीच और झोल झोल देखो झोल वहाँ जा रहा है और हमारा मुख्यदा जो आपको पता ही है वही चला रहे हैं अपने ट्रैक्टर को और इसकी आधी लाइट बंद कर दी गई है मित्रों। पीछे की जो वायर था अपना 2 लाइट थे उसमें से भी एक का वायर वो टूट गया, पता नहीं कहाँ भर दिया चढ़ दिया, दिन में चढ़ा होगा तो रात में तो एक जगह दिख नहीं रही। एक बार की नीचे करूँ की अच्छी है यार, एक यहाँ को वो नहीं है नहीं यार एम बायर भी थोड़े पड़े ये पीछे भी अभी चालू कर ले नहीं भले रुक जाओ जरा बहुत दूर है। मुख्यदा रोक जो एक न्यूट्रल कर जो जरा रुक जाओ एक दबाओ पूरा दबाओ नीचे दबाओ और दबाओ बस एक आगे कर दो पकड़ के एक पकड़ का आगे कर दो छोड़ो क्लच वही को न्यूट्रल ये देखो मुख्यदा एक देख लिया कर जो ज्यादा ढीली हो जाए नी हाँ ओके मैं टाइट करूँ नीचे रखो नी पूरा उसकी टापलिन भाई ढीली हो गई थी तो वो कस दिए ऊपर का लाइट साला बंद होगा आज रात भर चलाना है एक तो। और हवा तुम समझ सकते हो कितनी चल रही है, दोनों कवर भी खोल लिए क्योंकि मैंने उनसे बोला कि अगर धूल में ज़्यादा कुछ नहीं दिखे तो उसका जो मेन हेलोजन लाइट है वो भी तुम चालू कर सकते हो, तो बोले नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओहो कितना धूल है रे, उनकी ज़रूरत नहीं है तो रहने दो, फिर आज रात भर चलाना है इसको रात भर, बस सुबह तक ये कुछ नुकसान ना करे बाकी तो बढ़िया। तेरे को मैं बताता हूँ किस चीज़ के लिए चाहिए, अपने को चाहिए 855 की पार्किंग लाइट जलाना और उसका फ्यूज पता नहीं कहाँ गया फ्यूज, तो पार्किंग लाइट चालू करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक तार ढूंढ लेते, लेकिन हमारे गुलाब भाई की जो टापरी है इसमें भाई कुछ नहीं है, हमें तार चाहिए। ये तार डाल दूँ क्या फ्यूज खराब हो जाएगा, देखो क्या कितनी पैकिंग करके गया सामने वाले बंदे ने, इसके अंदर कुछ नहीं है कुछ नहीं है, हमने इतना देखा लेकिन हमें कुछ ओ माई गॉड यही डाल देगा, इसको डालना पड़ेगा यही इलाज, इसको आधा कट करके उसकी पार्किंग जलाना है अपने को और मेन लाइट की ज़रूरत लगेगी तो मेन लाइट, वैसे मेन लाइट में उसके ज़्यादा चालू नहीं करता क्योंकि उसमें बार लाइट भी है प्लस बम्पर पे तो उनका ज़्यादा लाइट है तो फिर उनको ऐसे चालू करने की ज़रूरत मेरे को पड़ती ही नहीं। ये कुआ यहाँ पे ये है लेज बाल्टी, साली रात में इसको देखने में दिक्कत क्यों हो रही, अंधा तो नहीं है ये देखो ये बॉटल ये कुआ और ये भाई मनोज और ये हमको खींच के आज बताएंगे जेब में मोबाइल नहीं टपक जा कि इस कुएं में भूत तो नहीं कहाँ। ओ माय गॉड मूसा मूसा मूसा
तुम कहाँ अकेले घूम रही हो? हैं 10:30 बजे तुम्हारी मम्मी ढूंढ रही होगी, चलो घर घर जा, घर जा जल्दी घर जा, बस यहीं चिपट रहो। इतो बड़ो घर है, कल ही छोड़ के गया, मैं नहीं गई रो बताओ। ले खींच तू तो, मम्मम खींच लो। ये की लाइट बाहर निकाल ले, एक फोड़ के फिर अपने यहीं फोड़नू पड़ा, उधर ही फोड़ा नहीं बाहर, नहीं तो पानी वाला अगर पैर में चुप जाएगा जो। चलो करेंगे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करेंगे इससे। ये पानी इसमें भर चुके, बस अपने पे एक बड़ी बॉटल और है जो मैं घर से आया था, अभी इधर चल रहा शायद खाना खजाना, खाना चल रहा खाना, जब तक मैं पीछे लाइट को भी देख लेता कि क्या चक्कर पे गया इसमें। एक लाइट हो गया अपना रिपेयर, ये इसको यहाँ से गड़बड़ था वो मैंने कर दिया सही, मतलब पीछे के हमारे तीनों लाइट चल चुके हैं, तीनों लाइट। यार हवा भी पता नहीं क्या ही करके मानेगी, देख रहे हो अब लाइट देखो, हे इतना लाइट बहुत, तीन तीन लाइट, अभी रात भर चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब बस मेरे को चालू करना है अपनी पार्किंग लाइट, पार्किंग लाइट में भी दिखो रहा कितना धूल उड़ रहा है मैं सर इसमें, और इसमें सिर्फ फ्यूज नहीं है, फ्लैश बंद था, इसमें फ्यूज नहीं है सिर्फ वो गिर गया, फ्लैश चालू करने के बाद नल्ला लिए रखते सब मनोज। अब इसमें हम इतना मोटा तार का फ्यूज बांध देंगे, साला फ्यूज ही नहीं होगा। अब देखो लाइट, फिर फ्लैश का लाइट भी दिख रहा थोड़ा सा, पहले मैंने बंद करके ही दिखा था आपको। मनोज कह रहा है कि अब तो इसके अंदर के वो तार निकाल के उससे फ्यूज बांध देंगे, मैं ये भी था पर मुँह पर मत उछाल दीजिए। कहा यार मनोज तू तो हल्को आदमी है यार, मैं तो सोच रहा तू बहादुर आदमी। अरे हाओ ऐसे भी फूट रहो, पत्थर कहाँ हो, पत्थर नहीं फूट रहे बच्चे, पत्थर दे पत्थर। 10 बजे रात को सुमान कर रहा, वाह बच्चे वाह, है ओ तेरी भैंस की आँख। ये इसका फ्यूज बांध के देखते हैं, इसका ये वाले तार का देख रहे हो जुगाड़। अभी वो लाइट भी मैंने चालू कर दिया क्योंकि अपने को इसका नॉलेज था, इसीलिए भाई बंदे को नॉलेज तो होना चाहिए, कभी भी वो कुछ भी चालू कर सकता है अगर नॉलेज है तो, नहीं तो अपन देखा करते इसको। एक मिनट इसको निकालता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ। ये निकला, अब ये यहाँ पे लग जाएगा, एक मिनट में लगा तो गिरो पुर्रो छोटो ही रही हो तो रुक जा लगाने दो। इसके टिप्पर चालू कर दिया फार्म टेक में, देखो धूप से टिप्पर वाला ट्रैक्टर, बिना पार्किंग पुर्किंग के पहले जा रहे थे ये सारे लाइट, अब इसके हो गए टन टना टन 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 जा रहा, उनका खाना भी हो गया। यहाँ का जो एक मोटा सा तार है वो फ्यूज में बैठा दिया है ट्रैम्प रैली, इससे मेन से बोल दूंगा कि इसके मेन लाइट चालू मत करना, मोटा डाला है और रेड है इनका, एक आँख लाल है बाकी का बेचारा ये पड़ा, एक आँख तो निकल गया इसका, स्वराज चमक रहा है, स्वराज स्वराज स्वराज। मुख्यतः अब चालू करेंगे इसको गणपति जी का नाम लेके, खैर पहले उन्होंने कर लिया चालू, आए हाय अब लाइट इतनी देर के चालू, तो उसके बाद भी गप से सेल्फ ले लिया, गप से सेल्फ ले लिया। यह साफ की जो समस्या थी अभी जब से नहीं बचाया भाई, जब से वहाँ से बिठा के लाया ना मैं तब से तो कोई दिक्कत आई नहीं इसमें, निकल ले भाई साहब इधर धूल ही धूल हो जाएगा तेरे को, तेरी अगर जान प्यारी है तेरे बाल प्यारे हैं निकल ले तो भौरी बन जाएगी भौरी। सो अब यहीं पे हम भी सो जा गए यहीं बढ़िया, यार खेत में इतनी प्यारी हवा चल रही मत पूछो मत, क्लच दबा रहे, क्लच दबाओ पूरो मुक्के दा मन की, क्लच का जब गियर लगाए नहीं पूरो और दबाई दिया करो, डबल क्लच है मैं, दो क्लच है बसो मत दबाया कर, जब गियर लगाए तब ही आना टेढ़ा, ये देखो और ये धूल देखो, उधर से जब आता है तो धूल में बता रहे कि मेरे को समझ में ही नहीं आता कावा इतना धूल है, भाग रहे हम तो जा रहे हैं भाई साहब घर, देख रहे भौरी बन जाएंगे नहीं तो भौरी। The next day. ये लो जी गुड मॉर्निंग, और कल रात को तो भाई साहब हम आ गए थे, मतलब ट्रैक्टर तो चल रहा था और मैं आ गया था, मैं तो आ गया था
बाकी कल रात का सिस्टम दिखाते हुए देखो, ये बेचारे टायर को मैं बोल रहा हूँ कि थोड़े दिन तो चल जाए, पर वो नहीं चलने को राजी है। और दूसरी चीज़ दिखा दूँ, वो बार लाइट देखो तार से बांध कर लाए, लटक गई ना। और कल इसने बहुत बढ़िया एवरेज दे दिया यार, मतलब 11-12 घंटे समथिंग चला है रात को, बताओ एक टंकी डीजल में। कल 4-1 बजे भरा था इसको शायद, हाँ तो सुबह के 6 बजे तक, 6 बजे आया कि 6:30 बजे, तो बहुत चल गया फिर तो। हालांकि था तो लाल पे ये, 11-12 घंटे जोड़ा तो नहीं मैंने, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आज ज़्यादा चला ये। और जो टैंक है ना अपना पीले वाला, वो इसने कर दिया खाली, मतलब ये दूसरा बेलर इस सीजन का अपने को लग गया। अभी एक और लगेगा उसमें अपनी बोनी हो जाएगी, बोनी कर देंगे एक बेलर और में, मतलब इसने ये बात कि चलो 500 लीटर पी गया, और अभी 250-250 लीटर बोनी तक, 200 लीटर तो पी जाएगा बोनी, बोनी में ऊपर भी पी सकता पर 200 तो मान के चलो। इसको भाई सेट करता हूँ, इसका एक नट भी पता नहीं, खैर वो तो चल चल के धचके में गिर गया होगा, धचके भी तो बहुत है, धचके भी तो बहुत है। और इसकी फिर इसको लेके चलना पड़ेगा, या तो हवा या फिर पंचर जो भी है वो करवाते हैं इसका। इसको एक बारी सेट कर दूँ फिर दिखाता हूँ। हेलो जी, यहाँ पे कस दिया मेरे नट और ये अपना सिस्टम हो गया सेट, कस दिया नट और सिस्टम हो गया सेट। अब हवा मारने की जुगाड़, प्रेम भैया ये वाला बोल्ट तो चल ही नहीं रहो, वो बहुत ज़्यादा मोटो है, पिन नहीं लग रही है, मैं तो ये बाहर वालों बोर्ड फिर अंदर ही लगानू पड़े भाई, होगा कोई मतलब ही नहीं, या फिर एक ही पिन बड़ी डालो। मेकअप कर लिया, का धूल है ने मेरे को पोत दिया, तो मैंने सोचा चल तेरे को साफ ही कर देते हैं, इसको उधर लगाता हूँ पहले। तो धुआं देख रहे हो, धुआं दिख रहा है, धुआं छाम दिख रहा है, छाम मशीन ही गर्म हो गई, धुआं निकाल दिया मैंने, तो एक साथ चली रही नहीं चली, जो रख भी दी थी वो गंदे रखो, आज नहीं चल रही, चल ही रही, चलना था तो ठंडी होने दे, रुक रुक के चले गए थे फिर भी तब गए। थिएटर में सुबह इतना धूल निकल रहा है, इतना धूल, इतना कचरा, देखो कूलेंट भी हल्का सा इसने मार दिया, और ये बसी बसी धुआं निकल गया, देख रहा धुआं, अभी चलेगी कि नहीं पता नहीं, पर धूल मारने लगी है। 855 को साफ करना, बच्चे बच्चे का खेल लिए, इतना धूल है इसके अंदर, इतना धूल है। रोटावेटर का तो इसको धुलवाना पड़ेगा, धुलवाना पड़ेगा, इसमें हवा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इसको ज़बरदस्ती हम उतना थोड़ा सा खेत उसमें मैं चला देता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं पंचर जुड़वाने, पंचर हरो हो गई शायद, या फिर हवा कम होगी तो हवा डलवा देंगे। कहीं कहीं से धूल गिर रहा है इसमें, कहीं कहीं से धूल गिर रहा है, थोड़ा चमक गया ना, देखो कब्बो मारते से अभी धुलेगा तो नया हो जाएगा। कौन बोल रहा था ये बूढ़ा हो गया, ये धोने दो जरा इसको जी। 855 जाने लगा पंचर जुड़वाने, अभी तो हवा है फिर इसमें पंचर जुड़ा के आएगा जी, फिर चलेगा। A few moments later. अपना 855 भी आ गया, उसके टायर का पंचर ठीक करवा दिया, और इधर आप देखोगे ना तो इसने पीला ड्रम रख लिया भाई 735 ने, क्योंकि 855 के लिए डीजल लाना पड़ेगा, वो तो भाई साहब सिर्फ 855 का काम यही है कि डीजल ख़त्म करना, अब ये भरवा के लाएगा बेलर। बाकी भाई आज की वीडियो में था इतना ही, इसका भी पंचर जुड़ा दिया, ये डीजल भी आ जाएगा, आज की वीडियो में था इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, मौसम भी बन गया। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच।